अगली खबर में बात करते हैं सोनभद्र की, जहां चौपन थाना क्षेत्र के मालोघाट स्थित गुरु कृपा आश्रम में बच्चों की देखरेख कर रहा पालक केयर टेकर ने मंगलवार की रात्रि 9 बजे 18 बच्चों के साथ आश्रम से कहीं चला गया। पूरी रात खोजबीन के दौरान बुधवार की सुबह लगभग 11 बजे बच्चे आश्रम से 4 किलोमीटर दूर गुरमुरा स्थित जय गुरुदेव आश्रम के पीछे मिले। चौपन पुलिस ने सकुशल सभी को आश्रम पहुंचा दिया। संचालक प्रवीण पांडे ने बताया कि आश्रम में 32 बच्चे यहीं रहकर पढ़ते हैं। वहीं सुरेंद्र निवासी बागो सोती, जो बच्चे की देखरेख करता था, मंगलवार की रात्रि 9 बजे शराब के नशे में आश्रम में विवाद कर रहा था। उस दौरान में रेणुकूट में था। सूचना मिलते ही नशे में धूत पालक को मैंने आश्रम से निकल जाने को निर्देश दिया। उसको अपनी नौकरी खोने का डर लगते ही वह आश्रम में 18 बच्चों को अपने साथ लेकर निकल गया, जिनका दाखिला उसी ने कराया था। बच्चों की उम्र लगभग 10 से 15 वर्ष के आसपास है। बच्चों के जाने की सूचना मिलते ही पीआरबी 112 पुलिस को सूचना दी गई। घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही चौपन थाना प्रभारी लक्ष्मण पर्वत व हल्का दरोगा त्रिभुवन रॉय पुलिस बल के साथ रात में बच्चों को तलाश करते रहे, परंतु उनका पता नहीं चल सका। सुबह जैसे ही सूचना मिली 11 बजे बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया गया है। शाम तक बच्चे के माता पिता को सुपुर्द कर दिया गया है। जी। आपको किसी से शिकायत है? नहीं। किसी से? नहीं। सुरेंद्र कुमार कहाँ है? सुरेंद्र कहाँ? ये आपको जबरदस्ती तो नहीं भगाया है? नहीं। अपने मन से आप लोग गए हैं? किसी कहने से गए? कुछ कस के बोलो। अपने मन से गए? इनको पहचानते हैं आप लोग? जी। ये जितने गार्जियन है सब आपके सब जानते हो ना? जी। यहाँ से आप लोग कहाँ जा रहे हो? आश्रम में नहीं जाओगे? नहीं। ठीक है। आप